डेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज में आए इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से रिचार्ज। आज देखिए, नामकरण में अवनी को नील ने क्यों डांटा, पिया अलबेला में पूजा ने क्यों तोड़ दिया नरेन का दिल, दिल से दिल तक में किसने लगाया टैनी पर घिनौना इल्जाम, भाभी जी में देखिए विभूति ने अपने होमी चाचा को क्यों लूट लिया। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। सीरियल नामकरण में अवनी और जूही मार्केट में आए हैं। अवनी जूही को लेकर मार्केट में कुछ खाने पीने और शॉपिंग करने के लिए आई है, लेकिन अवनी को याद नहीं रहता है कि नील ने जूही को कहीं भी बाहर जाने से मना किया था। दोनों मार्केट में होते हैं और वहां उन्हें दूर से विद्युत देख लेता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब विद्युत ने जूही को देख लिया है तो वो क्या नई चाल चलेगा। वेल सीरियल नामकरण में जब अवनी और जूही घर पर पहुंची तब नील ने अवनी को लगाई डांट। जी हां, नील ने मना करने के बावजूद अवनी जूही को बाहर ले गई। इस बात से नील अवनी से नाराज हो जाता है और उसका वो गुस्सा अवनी पर बरस पड़ता है। नील अवनी को बहुत डांटता है और अवनी चुपचाप सब कुछ सुनती रहती है। सीरियल पिया अलबेला में पूजा ने तोड़ दिया है नरेन का दिल। जी हाँ, पूजा और नरेन ने हाथों में थमा दिए हैं तलाक के कागजात और नरेन को मिल गया है एक और झटका। नरेन पूजा के सामने खूब रोया और गिड़गिड़ाया, लेकिन पूजा ने नरेन की बात पर ध्यान नहीं दिया। दरअसल राहुल ने पूजा और मिस्टर कपूर का एक MMS दिखाकर नरेन को भड़काने की कोशिश की, लेकिन नरेन ने राहुल की बात पर यकीन करने से इनकार कर दिया। जब ऐसी बात नहीं बनी तो राहुल ने चली दूसरी चाल। जब पूजा थी नरेन से दूर अमेरिका में, तब नरेन कुछ कानूनी मामलों में फंसे थे और इन्हीं मामलों में नरेन को दोषी साबित करने वाले सबूत हैं राहुल के पास, और इन्हीं सबूतों को राहुल ने पूजा को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया और पूजा को कर दिया मजबूर कि वो कर दे नरेन से शादी करने से इनकार। और पूजा ने किया भी वही जो राहुल चाहता था, पूजा ने नरेन से शादी करने से इनकार कर दिया है। बोनस धमाका में देखिए क्या कहा तिवारी जी यानी रोहिताश गौड़ ने बिग बॉस 11 पर। सीरियल पिया अलबेला में नरेन परेशान है क्योंकि पूजा का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। नरेन रो रहा है, उसकी बुआ नरेन को लगी हुई चोट पर दवाई लगा रही है। सभी परेशान हैं। नरेन का भाई कहता है कि अगर पूजा की जगह मैं होता तो मैं नरेन को कभी माफ नहीं करता। तभी वहां पूजा आ जाती है, उसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। नरेन भी खुशी से पूजा की तरफ देखता है, लेकिन वो उससे आंखें नहीं मिला पा रहा है। नरेन के पापा कहते हैं, अभी तक तो तुम तो पूजा पूजा कर रहे थे, अब कुछ क्यों नहीं कह रहे। गोकुलधाम सोसाइटी में मच गया है बवाल। जी हाँ, 1,000 और 500 के नोट से भरा हुआ मिला है बैग। अब इसके बाद सोसाइटी में क्या हो रहा है हंगामा, खुद ही देख लीजिए। दिल से दिल तक में शौर्वरी की मौत के बाद आज एक बार फिर बुरी तरह से टूट गई है टैनी। बड़ी मुश्किल से जिंदगी को बटोरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज एक बार फिर मोतियों की तरह बिखर गई है टैनी की जिंदगी। और हो भी क्यों ना, आखिर इल्जाम भी तो इतना घिनौना जो लग गया है बेचारी पर। दरअसल पार्थ के सामने आया है शौर्वरी की मौत से जुड़ा एक ऐसा वीडियो जिससे पार्थ को आशंका ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि टैनी ही उसकी शौर्वरी की मौत की जिम्मेदार है। बस फिर क्या था, पार्थ ने बिना कुछ सोचे समझे टैनी पर लगा दिया शौर्वरी की मौत का इल्जाम, जिसे सुनते ही टैनी के साथ साथ सभी घर वाले हो गए हैं हैरान और कोई भी इस बात को मानने के लिए नहीं है तैयार। लेटर ऑन द शो, रोमित राज ने शिल्पा शिंदे पर क्या कहा। सीरियल दिल से दिल तक में आज पार्थ के लगाए गए इल्जाम की वजह से टैनी को लगा है गहरा धक्का, और वो आज इस कदर टूट गई है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और इसी नासमझी में बिना कोई गुनाह किए टैनी स्वीकार करने लगी है ये गुनाह, और हर मुजरिम की तरह टैनी को सौंप दिया जाएगा पुलिस के हवाले।
नॉनस्टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं सीरियल भाभी जी घर पर हैं के विभूति जी यानी टीवी स्टार आशिफ शेख, जिन्होंने जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए किया खुलासा कि वो क्यों नहीं अवार्ड लेने पहुंच पाए इस बार। आई वॉज शूटिंग दैट डे और मैं यहाँ से निकला हूँ 7 बजे, तो मैं पहुँचा हूँ घर करीब 10:30, 11 o'clock, so it was quite late, I think. जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए टीवी स्टार आसिफ शेख ने किया रिवील कि उनके शो को मिले हैं कई सारे अवार्ड्स, जो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। जो अवार्ड्स मिले हैं वो हम लोग डिजर्व करते हैं, हमने भी वर्क फॉर इट, और आज 2.5 साल से 3 साल से हम लोग कंसिस्टेंटली एक शो कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, हमने अभी वी हैव मेंटेन आवर क्वालिटी एंड आवर ह्यूमर इज इंटैक्ट एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। सीरियल जीत गई तो पिया मोरे में देवी अधिराज के दोस्त शरद के लिए कॉफी लेकर आती है। तब देवी सुनती है कि उसके फैक्ट्री में जो आग लगी रहती है उसका पता चल गया है। ये सुनकर देवी को थोड़ी राहत मिलती है और उसको ये भी पता चलेगा कि वो कौन सा दुश्मन है जो देवी को अधिराज के सामने अशुभ साबित करना चाहता है। सीरियल जीत गई तो पिया मोरे में देवी हो चुकी है पार्टी के लिए रेडी, क्योंकि उसको लगता है कि अधिराज उसको पार्टी में लेकर जाएंगे और खुद के रूप को देखकर वो इतरा रही है और खुश हो रही है। लेकिन उसकी इस खुशी को लगती है किसी की नजर और काल कोठरी में आ जाते हैं उर्मी और बांसुरी। उर्मी और बांसुरी नहीं चाहते कि वो पार्टी में जाए, लेकिन देवी भी बड़े हिम्मत से कहती है कि उसे आज पार्टी में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तभी कहानी में आता है ट्विस्ट, जब उर्मी और बांसुरी उसको जबरदस्ती हथकड़ी पहनाकर निकल जाते हैं। देवी हो जाती है बहुत परेशान, क्योंकि उसे कुछ भी करके पार्टी में जाना रहता है और हर पल अधिराज के साथ रहना पड़ता है। दरअसल देवी को पार्टी में जाकर ये पता करना है कि फैक्ट्री में आग किसने लगाई थी, और उस बात का खुलासा वो पार्टी में करने वाली है। सीरियल ससुराल सिमरका में अंजलि ने दिखाया भारद्वाज हाउस में फिर नया कारनामा। जी हाँ, एक बार फिर अंजलि ने रची साजिश अपनी सीधी साधी भाभी रोशनी को फंसाने के लिए, और इस बार माताजी के अवतार में आकर अंजलि कर रही है माताजी की तिजोरी से गहनों को चोरी और लगाना चाहती है रोशनी पर इल्जाम। वेल, एक तरफ जहां सीरियल ससुराल सिमरका में अंजलि ने चली चाल रोशनी को फंसाने के लिए, वहीं दूसरी तरफ रोशनी इस बात से है परेशान कि आखिर कौन है जो माताजी बनकर गहनों की चोरी कर रहा है, वो भी भारद्वाज परिवार में। हालांकि रोशनी को इस बात का है पूरा यकीन कि घर में अंजलि ही है जो ये हरकत कर सकती है, और अब वो इस बारे में पता कैसे लगाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। टेली टॉप अपने आप सभी को इस बात से किया था रिचार्ज कि सीरियल भाभी जी घर पर है में विभूति बन गए हैं डाकू और अंगूरी बन चुकी हैं उनकी डकैत, लेकिन अब दोनों मिलकर बना रहे हैं प्लान कि आखिर करे कैसे वो चोरी और डकैती। तभी वहां चले आते हैं चाचा जी और हो जाते हैं शौक दोनों को ऐसे देख कर, और तब चलता है चाचा जी को पता कि बन गए हैं विभूति और अंगूरी डाकू, क्योंकि आ पड़ी है उन पर बड़ी मुसीबत। सीरियल भाभी जी घर पर है में जब चाचा जी डाकू बने विभूति से बताते हैं कि ले आए वो 20 करोड़ की वसीयत, तो विभूति फाड़ देते हैं उस वसीयत को, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो उस वसीयत की वजह से फंस जाए पुलिस के चंगुल में। और फिर कहानी में आता है ट्विस्ट, जब विभूति का चलता है दिमाग और दिखा देते हैं वो चाचा जी को गन और कहते हैं कि दे दे वो उन्हें सारा माल। अब बेचारे चाचा जी आखिर करते भी क्या, निकाल कर सारा सोना रख दिया विभूति के हाथ में, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी नहीं छोड़े। वेल, चाचा जी ने सोचा भी नहीं था कि उनके साथ ऐसा होगा। रजिया फंस गई गुंडों में, ऐसे चाचा फंस गए डाकुओं में, खुद के लोगों ने अपनों ने ही अपनों को लूटा है आज, और ये हालत कर दी है हमारी। एक अवार्ड फंक्शन के दौरान टीवी स्टार कपिल आमिर और संजीदा नजर आए अपने स्टाइलिश अवतार में, जहां दोनों ने जूम से बात करते हुए रिवील किया अपने लुक्स के बारे में। I think it's good to be different, yeah. ये मेरा style, I'm comfortable and I always want to try something new and different. हाँ, ये अलग बात है कि मैं जब हेयर स्टाइल करके गई तो आमिर सोया हुआ था और जाग गया।
बिग बॉस में धमाल मचा रही कंटेस्टेंट शिल्पा शिंदे के एक्स बॉयफ्रेंड रोमित राज ने किया मीडिया से इंटरेक्शन और शिल्पा शिंदे और उनके बीच हुई कंट्रोवर्सी के बारे में बात की। जी हां, अभी कुछ दिन पहले बिग बॉस में विकास गुप्ता कर रहे थे ब्लैकमेल शिल्पा को उनकी पास्ट लाइफ को लेकर, जो रोमित के साथ वो रिलेशनशिप में थी। रोमित को अपनी तरफ से स्टैंड लेना था क्योंकि आजकल मीडिया और सोशल मीडिया में झूठी फुटेज दिखा रहे हैं, इसीलिए रोमित चाहते हैं कि बिग बॉस अपना गेम अपने तक खेले लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ को बीच में ना लाए। जो कुछ भी हुआ शिल्पा मेरे बीच में म्यूचुअली हुआ था, वी म्यूचुअली यू नो थॉट कि हमारे डिफरेंसेस हैं तो इट्स बेटर कि हम शादी ना करें। एंड 8 साल हो गए, मैंने कभी भी इस बारे में बात नहीं की। एंड शिल्पा इज ऑल्सो आई थिंक इंटेलिजेंट, शी इज स्मार्ट। उन्होंने बिग बॉस में मेरे बारे में कुछ नहीं कहा जब विकास ने मेरा नाम लिया, तो आई थिंक आई रिस्पेक्ट फॉर दैट। एंड सलमान सर की भी बहुत इज्जत करता हूँ और चैनल की भी इज्जत करता हूँ कि चैनल ने और सलमान सर ने वेरी क्लियरली कहा कि आप लोग पर्सनल ना हो, एंड आई थिंक दैट्स अ फेयर थिंग। सीरियल ससुराल सिमर का में अंजलि फिर से अपने पुराने अवतार में नजर आ रही हैं। तभी तो आज रोशनी की हाथ में घर की चाबी और पुश्तैनी जेवर देख जल रही है अंदर ही अंदर। माताजी ने सौंप दी है घर की जिम्मेदारी रोशनी को, दे दी घर की सारी चाबी और अपनी कुछ पुश्तैनी जेवर भी, वो भी घर वालों के सामने। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं अंजलि को हजम नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ माताजी कर रही हैं गुस्सा सिमर के सामने कि रोशनी को दी गई इतनी बड़ी जिम्मेदारी से कैसे लापरवाह हो सकती है। मुंबई में एक अवार्ड फंक्शन में टीवी स्टार करण मेहरा नजर आए अपने स्टाइलिश अंदाज में, जहां जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए करण ने किया रिवील अपने स्टाइलिश लुक के बारे में। बोनस धमाका में आज हमारे साथ हैं सीरियल भाभी जी घर पर हैं के तिवारी जी, यानी टीवी स्टार रोहित आश गौड़, जिन्होंने जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए किया खुलासा कि क्या है उनका रिएक्शन बिग बॉस में धमाल मचा रही अंगूरी भाभी यानी कि शिल्पा शिंदे के बारे में। जी वाकई गदर तो उन्होंने मचा रखा है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो अच्छी तो लगती ही है और लग भी रही थी हमारे सीरियल में। तो हमें तो उनके खोने का बड़ा दुख है, खासकर मुझे, क्योंकि मैं तो एकदम से अगर भाभी जी की भाषा में कहे तो रंडुआ हो गया हूँ। जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए तिवारी जी ने किया रिवील कि किसे देखना चाहते हैं वो बिग बॉस के विनर के तौर पर। नहीं, मैं चाहूंगा शिल्पा भी जीते। हाँ, क्यों नहीं यार, वो हमारी, शी इज गुड, शी इज माय फ्रेंड, और हमें दुख है उनके जाने का, क्यों गई भाई। वेल, वी होप कि आप टीवी स्टार रोहित आश गौड़ के इस खुलासे से हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। टीवी स्टार रवि दुबे कर सकते हैं रियलिटी शो राइजिंग स्टार को होस्ट। जी हां, अकॉर्डिंग टू आवर एक्सक्लूसिव सोर्सेज, रवि दुबे सिंगिंग रियलिटी शो राइजिंग स्टार के सीजन 2 को होस्ट करते नजर आएंगे। वेल, रवि पहले भी टीवी पर कई शोज होस्ट कर चुके हैं और उनके फैंस के लिए ये एक अच्छी खबर है कि रवि अब फिर से एज अ होस्ट टीवी पर नजर आएंगे। टीवी स्टार विवेक दहिया ने अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे। जी हां, विवेक ने अपनी लवली वाइफ टीवी स्टार दिव्यांका त्रिपाठी और अपने दोस्तों के साथ पार्टी की और अपने खास दिन को किया खूब एंजॉय। देख लीजिए विवेक के बर्थडे सेलिब्रेशन की पिक्चर्स जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं। टीवी स्टार विशाल सिंह ने टीवी पर आने वाले एक नए शो रसोई की जंग मम्मियों के संग के लिए किया शूट। जी हां, विशाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने दोस्त और इस शो के होस्ट टीवी स्टार ऋत्विक धनजानी के साथ हुए फोटोशूट की पिक्चर्स पोस्ट की। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस शो में ऋत्विक और विशाल की मस्ती खूब देखने को मिलेगी। और आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल जीत गई तो पिया मोरे की ऑफ कैमरा मस्ती वाली न्यूज के साथ। जी हां, सीरियल में चल रहा था बेहद ही सीरियस सीन जहां देवी को उर्मी और बांसुरी मिलकर बांधते हैं हथकड़ी से। वहीं इस सीन को शूट करते समय पहले तो सभी गिर गए जमीन पर, जिससे निकल पड़ी सबकी हंसी। वहीं दूसरी बार इस सीन को टेक करते समय देवी के हाथ में लगने वाला हथकड़ी ही गया टूट, जिसके बाद सभी हो गए परेशान। और
और आइए अब आपको दिखाते हैं सीरियल भाभी जी घर पर है में विभूति यानी कि टीवी स्टार आसिफ शेख की ऑफ कैमरा मस्ती। जी हाँ, देखिए सेट पर चल रहा था डाकू विभूति का सीन, जहाँ जैसे ही शॉट से मिलता मौका विभूति जी नजर आए अपने अनोखे अंदाज में चने को हवा में उछाल कर खाते हुए। आप भी देखिए विभूति का चना खाने का ये अंदाज। मोस्ट अवेटेड शो पोरस बहुत जल्द आने वाला है। इसकी मेकिंग की कुछ झलकियां तो हमने आपको दिखाई थी और देखिए इसके कुछ नए ग्लिम्पसेस। शारदा जॉनी लीवर लेकर आ रहे हैं शो ट्रबल हो गई डबल, जिसके लिए शूट किया है उन्होंने खास वीडियो भी, और ये वीडियो कैसा है खुद ही देख लीजिए। टीवी स्टार मोहसिन खान और शिवांगी जोशी यानी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के कार्तिक और नायरा आजकल ग्रीस में कर रहे हैं अपने सीरियल की शूटिंग। जी हां, नायरा और कार्तिक शो के आउटडोर शूट के लिए गए हैं ग्रीस, जहां वो अपना टाइम कर रहे हैं खूब एंजॉय, जिसकी पिक्चर मोहसिन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की है। कमिंग अप ऑन द शो, देखिए बिग बॉस 11 में हुआ अब कौन सा हंगामा। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom Tele Top Up। टीवी स्टार क्रिस्टल डिसूजा कर रही हैं अपनी गर्ल गैंग के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड। जी हां, क्रिस्टल ने की अपनी गर्ल गैंग के साथ नाइट पार्टी, जिसमें उनकी दोस्त प्रोड्यूसर एकता कपूर, टीवी स्टार मधुरिमा तुली, अनीता हसनंदानी, उर्वशी ढोलकिया सभी शामिल हुए। क्रिस्टल ने अपनी इस नाइट पार्टी की सभी तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की अपने फैंस के साथ। बिग बॉस 11 में जल्द होने वाली है दो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज। जी हां, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज घर में एक बार फिर से होने जा रही है वाइल्ड कार्ड एंट्रीज। पहली एंट्री होंगी एक्ट्रेस जोया अफरोज, जो कि बॉलीवुड फिल्म स्वीटी देसाई वेड्स NRI में नजर आई थी, और दूसरी होगी US बेस्ड मॉडल नटालिया के। ये दोनों बिग बॉस के घर में जल्द ही एंट्री लेंगी। टेली टॉप अप में अब बारी है आपको बिग बॉस के आने वाले नए ट्विस्ट से रिचार्ज कराने की। मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom Tele Top Up। For all the garma garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.